दोस्तों आज की कहानी है नंद जी मुझसे आपके लिए रोज रोज नाश्ता नहीं बनेगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संयुक्ता जोशी जी को महावे शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन समय में उन्होंने जी जान लगा दी थी अपने बेटे विशाल के लिए लड़की ढूंढने में। कहीं उनका मन ही नहीं रुक पा रहा था। अपनी बहन के यहाँ शादी में प्यारी सी तनुजा को देख उसके स्वभाव में ठह राव और सौम्यता को देखकर दो दिन में ही संयुक्ता जी के मन में जगह बना ली थी। पता करने पर उन्हें अपनी बहन से पता चला कि संयुक्ता उसकी ननद की बेटी थी। उसने MA तक की पढ़ाई की थी। नंदोई जी को काम में थोड़ा नुकसान होने के कारण संयुक्ता अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। दो बेटियों की शादी का बोझ नंदोई जी ने बड़ी बेटी को तो ब्याह दिया पर छोटी के लिए दहेज ही नहीं जुटा पा रहे। आज कल तो वैसे भी हर कोई नौकरी वाली कमाऊ लड़की ही चाहता है, नहीं तो मोटे दहेज की आस लगाता है। पर लड़की बिल्कुल हीरा है। संयुक्ता जोशी जी भी बिल्कुल यही चाहती थी कि लड़की ऐसी हो जो उनका घर संभाल ले। ठीक वैसे ही जैसे वह संभालती आई है संयुक्ता जोशी जी अपनी नौकरी के कारण हमेशा ही व्यस्त रही। भागम भाग में ही सारे काम होते। अलार्म की आवाज से दिन शुरू होता और घड़ी की सुइयों के साथ साथ भागता जाता था। आस पास देखती तो सोचती काश वह भी घर की देखभाल सही से कर पाती और पति और बच्चों के साथ समय बिता पाती। पर घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। एक तनख्वाह में बच्चों की परवरिश वे मन साई कर पाती पर आज तो वो सब बातें पुरानी हो चुकी थी। अब घर में सब कुछ था। बेटा बहुत बढ़िया नौकरी में था और हर तरह से संसाधन भी थे। दहेज की कोई तमन्ना नहीं थी। बस तलाश खत्म होती थी। एक सुशील और संस्कारी लड़की पर रिश्ते की बात पक्की हो गई थी। सभी के बधाई देने के लिए फोन आने लगे। आस पड़ोस से अब तक जो बेटे की शादी को लेकर ताना मारते थे वे भी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए शुभ कामनाएं दे रहे थे। संयुक्ता जोशी जी तो अपनी बहू की छवि मन में बनाए बस मुस्कुरा देती थी। मेरी बेटी होगी वो, वही मेरी सखी होगी। काम तो हम दोनों मिलकर
प्रोजेक्ट निपटा लिया करेंगे, पर घर की जिम्मेदारी उसी को सौंप दूंगी, कभी कभी खुद से ही बातें करती। एक दिन उनकी सहेली सुषमा उनसे मिलने और बधाई देने घर आई। कैसे हो और तुम्हारी बेटी कामिनी कैसी है, कैसी सन रही है उसकी ससुराल में? संयुक्ता जी ने तो प्रश्नों की जड़ी ही लगा दी। बहुत खुश और मजे में है, ननद और देवर को तो पूरे दौंच में दबा के रखा हुआ है। सुषमा जी ने इतरा कर कहा, दौंच मतलब? संयुक्ता जोशी जी की समझ ही ना आया। अरे मैंने तो कामिनी को समझा दिया था कि ससुराल में जहां तहां मत करना, अपनी मर्जी चलाना, किसी बात पर आसानी से सहमति मत करना, जैसे तुम्हारा मन हो वही करना। एक बार उनकी बात मान ली तो बस समझ लो सारी जिंदगी सिर झुका कर रहना होगा। सुषमा जी बोलती जा रही थी, सहरे की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी, जो उनकी विजय पताका का एहसास करवा रही थी। तो कामिनी सुबह उठकर पति का नाश्ता, सास ससुर के लिए साय नाश्ता और ननद और देवर को भी नाश्ता तो देती ही होगी। संयुक्ता जोशी जी ने पूछा, अरे किस जमाने की बात करती हो, 10 बजे से पहले नहीं उठती मेरी लाडली, उसकी सास ही करती रहती है पहले की तरह सब कुछ। सुषमा जी सहकते हुए बोली, संयुक्ता जोशी जी सुषमा की बातें सुन खोसी गई मेरी तनु। नहीं नहीं अच्छा अब मैं सलती हूँ, कोई प्रतिक्रिया ना देख सुषमा जी संयुक्ता जी को हिला कर बोला, कहाँ खो गई तू, क्यों घबरा गई, तेरी तो बहू ने आना है, शुरू से ही दबा कर रखियो, घर के सारे काम करेगी और तुम्हारा सब का ध्यान रखेगी, बहू है आखिर, ज्यादा सलाह मशविरा करने की जरूरत ही नहीं उसके साथ। एक बार उसकी बात मान ली तो सारी जिंदगी हुक्म चलाएगी। मैं भी अपने रूप की बहू को ऐसे ही रखूंगी, कह कर सुषमा जी जी उठने लगी। घर आए मेहमान का निरादर नहीं करना सिखा मैंने, पर जितनी गलत सलाह देकर अपनी प्यारी सी बेटी कामिनी और उसके ससुराल वालों का जीना दुबर कर दिया, वही गंदी सलाह मेरी आने वाली बहू के लिए दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुषमा। माँ ही है जो बेटी का जीवन अपनी सलाह से सवार भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। साई वह माँ उसकी अपनी हो या सास के रूप में उसके जीवन में आई हो। मैं समझ गई घर के बड़े शालीन और सभ्य होने जरूरी है, बच्चे तो
वही सीखते हैं जो माता पिता सिखाते हैं। बेटी को तो घर परिवार में मिलकर ना रहने दिया, पर बहू का सम्मान जरूर रखना। मेरी सखी हो इसलिए सलाह दे रही हूँ, काश तुम्हारी बहू की माँ तुम जैसी ना हो। संयुक्ता जोशी अपना क्रोध रोक ही ना पाई। सुषमा जी लज्जित आँखों से संयुक्ता जोशी जी के घर से सल दी। ये कैसी सोच हो गई है बहू और बेटी के लिए, लड़कियों में नहीं उनके माता पिता के सोच में बदलाव होना जरूरी है। भावी सास ससुर की सोच में बदलाव जरूरी है। आने वाली लड़की के अंदर अपनी बेटी की छवि देखेंगे, तभी उसे अपना बना पाएंगे। और विदा करने वाले माता पिता बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे, तभी बेटियां अपने घर संसार को जन्नत बनाएगी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।